सिवान के दारोगा प्रसाद राय कॉलेज के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इंटरमीडिएट के छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर 1200 रुपए के बजाय 1500 रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। हम लोगों से 1200 रुपए के जगह पर 1500 रुपए वसूला जा रहा है और हम और एग्जामिनेशन फी पे सेटअप एग्जाम दिए तो उसमें 200 रुपए वसूला जा रहा है, कुल 500 रुपए हम लोग से वसूला जा रहा है। वही प्रिंसिपल ने कहा कि एक्स्ट्रा पैसा कॉलेज विकास फंड के लिए लिया जा रहा है। अगर 100 रुपए या 200 रुपए हमने बढ़ाया तो कॉलेज डेवलपमेंट में हमने बढ़ाया। ऑनलाइन का खर्चा है, ऑनलाइन के खर्चे के लिए 100-150 बढ़ा है। हाँ, ऑनलाइन के खर्चे 1200 और 300 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि 1700 हो जा रहा है। ठीक है, कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए बढ़ा है, इसलिए सरकार हमारे कॉलेज कुछ दे। हालांकि तय सीमा से ज्यादा फीस वसूलने के लिए कॉलेज विकास फंड का हवाला देना किसी के गले से नहीं उतरता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिवान से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।